पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जहां पर पूरे देश से जो विभिन्न राज्यों से जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर आमंत्रित किया गया है और वो लोग इस बैठक में निर्णय लेंगे कि पार्टी की भूमिका क्या होगी। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसमें पूरे देश से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी की 2024 की रूपरेखा भी इसी में तैयार की जाएगी। पार्टी का उद्देश्य क्या होगा, उसे लेकर एक बड़ी रणनीति बनाए जाने की संभावना है। इससे पहले अखिलेश सिंह यादव, ममता बनर्जी की भी एक बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। इसकी चर्चा भी जोरों पर है। अब देखना है कि इस मीटिंग के बाद पार्टी द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा। यह 2024 के लिए अहम मुद्दा होगा। क्या 2024 में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या कई पार्टियों के सहयोग से चुनाव में हिस्सा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद एक्सप्रेस। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग 18-19 को कलकत्ता की इस पावन धरती पर होने जा रहा है। इसके पहले 5 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पश्चिम बंगाल में हो चुकी थी। उस 5ों मीटिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हुई थी। अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहेंगे या इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में मीटिंग होगी, जिस मीटिंग का संचालन पश्चिम बंगाल के आदरणीय किरण नंदा जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहेंगे और तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सदस्य, सब लोग इसमें मौजूद रहेंगे। और 17 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे और उसी दिन पश्चिम बंगाल के जो सक्रिय सदस्य हैं उनको मौलाली यूथ सेंटर में 3 बजे हो उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी बात को, समाजवादी विचार को तमाम सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ में उसको शेयर करेंगे। एक सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी के साथ भी बैठक होने जा रही है। हाँ, जो हमारे पास जानकारी है, 17 तारीख को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात तय है और उस दिन वो मिलने जाएंगे उनसे। क्या लग रहा है, पहले पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी का एक अस्तित्व था, यहाँ पर कई विधायक मंत्री थे, अब पश्चिम बंगाल में आप लोग को जो देखा जा रहा है कि कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा, तो फिर इस बार क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो समय था जब सरकार कम्युनिस्टों की थी और हम लोग की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो कम्युनिस्टों के साथ हम लोग का गठबंधन था। उस गठबंधन में हमारे पास विधायक भी थे, परम आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी मत्स्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वामपंथी अब नहीं रहे पश्चिम बंगाल में, उनका अस्तित्व तो खत्म हो रहा है। अब हम लोग तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हम लोग का गठबंधन नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला किया था विधानसभा में, लोकसभा में, कलकत्ता कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो संगठन जहां हम लोग मजबूत हैं उनको हम लोग कॉपरेट किया, प्रचार किया, वोट दिया और वोट दिलवाया भी। अब जो है इनके साथ हमारा गठबंधन नहीं है, समर्थन है, तो अभी गठबंधन की बात अब राष्ट्रीय नेतृत्व अगर करता है तो हम लोग का बढ़िया होगा। हमारे पास भी MLA होंगे, काउंसलर होंगे, पंचायत प्रधान होंगे, लेकिन अभी जो है कितने इस बैठ जो सम्मेलन हो जा रहा, कितने लोग आने की उम्मीद है, क्या तैयारी है आपने? जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें लगभग जो जानकारी है 80 से 85 आदमी, जो उसमें 20 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष प्लस 64 या 65 कार्यकारिणी के सदस्य
उसमें सब मौजूद रहेंगे, लगभग 80-85 लोग उसमें रहेंगे। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक नेता होने के कारण मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सभा होने जा रहा है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि सामने 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी जो है अपना रोल अदा करेगी 2024 के इलेक्शन में। इसी सिलसिले में जो है तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग बैठेंगे और अपने माथे को जोड़ करके वो अपनी बात कहेंगे। इससे क्या क्या लग रहा है, कुछ जो जोट होने की बात चल रही है उसको कितना प्रभावित करेगा? देखिए, ये जो हमारे जो अपोजिशन में जो हम लोग सब लोग जो बैठे हैं, हमारा सोचना है कि जब तक हम लोग सब मिल करके अगर हम लोग समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे और हम लोग इस देश के हित में अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, जोर जबरन राजनीति, बुलडोजर की राजनीति, गुंडा को जबरदस्ती जो है किसी शरीफ आदमी को गुंडा कह के मार देने की राजनीति जो कर रही है, हमारे उसके खिलाफ जो है हम लोगों का जो है एक महम बनेगा और हम लोग इसके ऊपर जो है हम लोग लड़ाई करेंगे।